अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल सोबिया इन द किचन। आज मैं आपके साथ रमजान स्पेशल और ईद स्पेशल अरबी फालूदे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो ये बहुत ही मजे का, बहुत ही जबरदस्त सा फालूदा बनता है। आप इसको इफ्तारी में बना सकते हैं या फिर आप ईद पे भी जो है वो बना के इसको इंजॉय कर सकते हैं। और जैसे कि समर सीजन भी स्टार्ट हो गया है तो उस पे जो है ये बहुत ही मजे का लगता है फालूदा, और उसको होममेड सवैयों के साथ बनाएंगे। बहुत ही क्विक और इजी सी रेसिपी है, तो आप मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चले रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। रबड़ी फालूदा बनाने के लिए तो सबसे पहले हम रबड़ी मिल्क रेडी करेंगे। तो उसके लिए आपको 3 कप्स के जितना मिल्क चाहिए। चीनी आपको चाहिए 2 टेबल स्पून, केवड़ा वाटर आपको चाहिए 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून आपको इलायची का पाउडर चाहिए, और साथ में आपको थोड़े से बादाम पिस्ते चाहिए होंगे, और 1 टेबल स्पून के जितना आपने तुक मलंगा को जो है वो सोक करने के लिए रख देना है। तो चले अब हम रबड़ी मिल्क बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आपने एक कढ़ाई में ऐड कर देना है मिल्क, और उसको आपने बॉयल आने तक जो है वो पकाना है। तो जैसे इसमें बॉयल आना स्टार्ट होगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे चीनी 2 टेबल स्पून के जितनी, और साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे केवड़ा वाटर और इलायची पाउडर, और इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब आपने दूध को इतना पकाना है कि 3 कप से जो है वो 1 कप रह जाए। इतना जो है वो दूध को रिड्यूस करना है 90% तक, तभी आपकी ज़बरदस्ती जो है वो थिक सी रबड़ी बन के इसकी रेडी होगी। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से बॉयल आता जाएगा। आपने जो है ये साइड में मलाई बनती जा रही है, इसको वापस आपने दूध में डालते जाना है इस तरह से साइड से निकाल के, और उसको आपने मिक्स करते जाना है, और नीचे तक आपने चम्मच चलाना है ताकि नीचे से दूध लगे नहीं, और बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने बनाना है। और फिर आपने इसमें ऐड कर देना है बादाम पिस्ते, ताकि बादाम पिस्ते का फ्लेवर भी जो है वो बहुत मजे का रबड़ी के अंदर आए। तो आपने बादाम पिस्ते भी ऐड कर देने हैं, और उसको कंटिन्यूसली मिक्स करते जाना है, और उसको आपने पका के जो है वो रिड्यूस कर लेना है। तो दूध जब तक पक रहा है, तो चले अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अब हम जो है वो फालूदे की सेवइयां बनाएंगे। तो उसके लिए आपको 1 कप पानी चाहिए, 1/2 कप आपको कॉर्नफ्लावर चाहिए, और साथ ही आपको 2 से 3 टेबल स्पून के जितनी चीनी चाहिए, क्योंकि हमें जो है वो सेवइयों को फीका नहीं रखना है, तो इसलिए हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो सबसे पहले आपने एक बाउल में ऐड कर देना है पानी और चीनी, और साथ ही इसमें आपने ऐड कर देना है कॉर्नफ्लावर, और उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई भी जो है वो लम्स ना बने। इसलिए आपने पहले से जो है वो इस तरह से इसको मिक्स कर लेना है कॉर्नफ्लावर को एक सेपरेट बाउल में, फिर हम इसको पैन में ऐड करके जो है वो उसको पकाएंगे। और साथ ही आपने एक बाउल भी रेडी रखना है पानी का, जिसमें हम सेवइयों को निकालेंगे, और इसमें आपने बर्फ़ ऐड कर देनी। और ये मेरे पास जो है वो सेवइयां मेकर है, जिससे हम फालूदे की सेवइयां बनाएंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नॉर्मली जो है पाइपिंग बैग से भी बना सकते हैं, पाइपिंग बैग से भी जो है वो इजिली सेवइयां बन जाती है, या फिर अगर आपके पास सेवइयां मेकर है तो आप इसे भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले एक पैन ले लेना है आपने, और बिल्कुल लो फ्लेम आपने रखनी है, और इसमें जो हमने मिक्सचर रेडी किया था कॉर्नफ्लावर का वो आपने ऐड कर देना है सारा। तो आपने कंटिन्यूसली जो है वो मिक्स करते जाना है, आपने बिल्कुल भी जो है वो उसको नहीं छोड़ना है, आपने कंटिन्यूसली जो है वो उसको मिक्स करते रहना है इस तरह से, क्योंकि ये एकदम से जो है वो फॉर्म होने लगता है, तो इसलिए आपने कंटिन्यूसली जो है वो चलाते रहना है। आप देख सकते हैं ये जो है वो फॉर्म होना स्टार्ट हो गया है, इस तरह से जो है ये पकना स्टार्ट होगा। तो आपने इसको कंटिन्यूसली मिक्स करते रहना है ताकि इस पर कोई भी लम्स ना आए, और स्मूथ सा जो है ये आपका वही का मिक्सचर बन के रेडी हो। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी थिक होना स्टार्ट हो गया है। जस्ट आपने इसको लो फ्लेम पे ही कुक करना है, और इसको कंटिन्यूसली इस तरह से मिक्स करते जाना है। जब ये इस तरह से ट्रांसलूसेंट सा फॉर्म होना स्टार्ट हो जाए, फिर आपने इसको ऐड कर देना है अपने सेवइयां मेकर के अंदर। फिर अगर आप पाइपिंग बैग में बना रहे हैं तो आपने पाइपिंग बैग में इस मिक्सचर को ऐड करना है, और गरम गरम में ही आपने काम जल्दी जल्दी करना है। आपने हाथ में कोई ग्लव या फिर कपड़ा ले लेना है ताकि आपके हाथ जो है गले नहीं। फिर आपने जल्दी से इस तरह से इसको फिल करके इसको बंद कर देना है, और जो बाउल हमने पानी भर के रखा था उसमें आपने आइस ऐड कर देनी है, यानी कि बर्फ़, और उसमें जो है वो आपने इस तरह से जल्दी जल्दी सेवइयां निकाल लेनी है। ये काम जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि हमें गरम गरम में ही जो है वो इसकी सेवइयां बनानी होती है, और डायरेक्ट आपके ठंडे पानी में इसकी सेवइयां निकालनी होती है, तभी ये सेवइयां जो है वो सेट होती हैं। तो इस तरह से निकाल के इसको थोड़ी देर छोड़ देना है, और उसको आपने फ्रिज में रख देना है। यहाँ पे रबड़ी मिल्क भी जो है वो हमारा बन के रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक जो है ये मिल्क रिड्यूस हो गया है, और ये काफ़ी थिक सा हो गया था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा दूध ऐड किया है। ज़्यादा थिक सी नहीं रबड़ी चाहिए, थोड़ा सा मिल्क भी इसके अंदर चाहिए। तो आपने इस तरह से रबड़ी मिल्क बना के रेडी कर लेना है। तो ये बिल्कुल रेडी हो गया है, अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे, और उसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। और साथ ही हमारी सेवइयां भी जो है वो बनके बिल्कुल रेडी हो गई हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त सी सेवइयां बनके रेडी हो गई हैं। तो चले अब हम अपने फालूदे को असेंबल करना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए आपको रोवज़ा चाहिए होगा, साथ ही आपको जो है वो बादाम पिस्ते चाहिए होंगे, तुक मलंगा आपको चाहिए होगा जो हमने सोक करके रखा हुआ था, थोड़ी सी चेरीज आपको चाहिए होंगी, और रबड़ी मिल्क जो हमने रेडी किया था वो आपको चाहिए होगा, और साथ में आपको वलीना आइसक्रीम चाहिए होगी। तो सबसे पहले जो है वो ग्लासेस में आपने ऐड कर देनी है सेवइयां जो हमने बना के रेडी करी थी, आपने थोड़ी थोड़ी ऐड कर देनी है दोनों ग्लासेस में।
तो आपने इसका पानी निकाल देना है, सिर्फ सेवैयाँ जो है वो इस तरह से ऐड करनी है। आप इसको किसी में भी जो है वो असेंबल कर सकते हैं। मैं इस तरह से टॉल ग्लासेस में इसको जो है वो असेंबल करके सर्व कर रही हूँ। आप किसी भी बाउल में या फिर जो है वो बड़े से कप उसमें भी कर सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे तुख मलंगा। तुख मलंगा आप ज़रूर ऐड करें, तुख मलंगा जो है वो बहुत अच्छा होता है, आपके पेट की गर्मी को ख़त्म करता है। यहाँ पे जो है वो मैंने बहुत सारा ऐड किया है। और फिर आपने इसमें ऐड कर देना है रोबज़ा सिरप। रोबज़ा के बगैर जो है वो फालूदा इनकम्प्लीट होता है। रोबज़ा आपने ज़रूर ऐड करना है। और फिर आपने इसमें ऐड कर देना है रबड़ी मिल्क जो हमने बना के रेडी किया था, और आपने जो है ठंडा रबड़ी मिल्क जो है वो इसमें ऐड करना है। और फिर आपने इसमें 1 स्कूप ऐड कर देना है वलीना आइसक्रीम का। आप चाहें तो टूटी फ्रूटी आइसक्रीम भी इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास आइसक्रीम नहीं है तो आप ना ऐड करें। फिर आपने इसको बादाम पिस्ते के साथ जो है वो गार्निश कर लेना है, और दोबारा से आपने थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐड करके इस तरह से गार्निश कर लेना है फालूदे को। तो ये आपकी चॉइस है, आप जैसे भी चाहें आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। सरोफ़ा आपने डाल देना है, बादाम पिस्ते और थोड़ी सी सेवैयाँ जो है वो थोड़ी सी ऊपर से और डाल देंगे, और थोड़ी से यहाँ पे रोज़ पेटल्स मैंने ऐड कर दिए हैं, और लास्ट में आपने चेरीज़ के साथ जो है उसको डेकोरेट कर लेना है। तो फालूदा जो है वो हमारा रेडी हो गया है। तो चले अब हम इसको सर्व करते हैं। तो रेडी है हमारा ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा फालूदा, ठंडा ठंडा सा। आप देख सकते हैं कितने मज़े का ये लग रहा है। तो चेरीज जो है वो हमारी अंदर जा चुकी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से ये मेल्ट हो रहा है। तो अब आपने इसको जो है वो ठंडा ठंडा सर्व करना है, और मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा हमारा फालूदा बना है। तो टेस्ट में भी जो है ये बहुत ही मज़े का, बहुत ही ज़बरदस्त सा फालूदा बनता है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। रबड़ी के साथ जो है वो बहुत ही मज़े का लगता है, सिंपल मिल्क के साथ तो मज़ा नहीं आता जितना रबड़ी के साथ जो है वो बहुत ही मज़े का बनता है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और जो आपके सेवैयाँ बच जाएँ आपने उन्हें उनको एक बॉटल में डाल के पानी के साथ ही जो है वो फ्रिज में रख देना है, क्योंकि 10 डेज तक ईजिली जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ख़राब नहीं होती बिल्कुल भी, बस आपने 10 डेज के अंदर उनको जो है वो यूज़ कर लेना है। तो जस्ट आपने सेवैयाँ निकाल ली और असेंबल करें और इन्जॉय करें। बहुत ही मज़े का ये फालूदा बनता है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। ईद भी आने वाली है, आप ईद पर इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं, या फिर इफ्तार में भी जो है वो इस रेसिपी को बना सकते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और मेरे चैनल को जो है वो जरूर सब्सक्राइब करें। और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।